दास जी को कौन नहीं जानता। सज्जनों, मैं आप लोगों का दास हूँ। मंदिर की मंगलत लाओ, प्रसाद तो दो। हाँ हाँ, खाने तो दो। कहाँ हो जी? जरा यहाँ। जी हाँ, सब प्रसाद मांग रही है। इसको ना छूना, घर के लिए वो रमल आ रहा है। अच्छा, ये बाई जी के लिए है? बाई जी नहीं, वो अपने। क्यों झूठ बोलते हो? मैं कहती हूँ बुड्ढे होने आए और अभी तक ये बातें नहीं नहीं। फिर वही पुराना दुबरा लेकर बैठ गई। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि अब भी मंदिर की मूर्त किए चले आ रहे हो और अभी चले एक बाजारी औरत की यहाँ। चुप करो, क्या गजब कर रही हो? घर में मेहमान जमा है, कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? मत भूलो नाथ, अगर वो दयालु है उसे सजा देनी भी आती है। जब वो ढीली रस्सी खींचेगा तब सर पकड़ कर रोगे, तुम्हारा कलेजा भी तभी ठंडा होगा। मैं रात को घर नहीं आऊंगा। देखो बहन, ये तुम्हें नजर लगा रहे थे। भगवान, हर औरत को तुम्हारे जैसा नसीब दे। हमें लंदन वहाँ जाना है और कुंवर अंदर खुदा मालूम क्या कर रहा है। बहुत आदमी खड़े, लाओ यार लाओ। अजी कोई बगला बगस होगा, बगला बगस। कहिए मेरे उस्ताद की खाला, इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं भी नहीं, तुम्हारा हुक्म पाते ही झट से मुहूर्त खत्म किया, भागा भागा घर गया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और झट से अपनी सरकार की खिदमत में हाजिर हो गया। बस रहने दीजिए, हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप यही अदाएं तो धर्मदास का धर्म नष्ट कर देती हैं। आधा वर्दे। कहो, तबीयत अच्छी है? कहिए, कब आए बम्बई से? बम्बई से तुम लोग अभी अभी चले आ रहे हैं। तुम्हारी कसम स्नान तक नहीं किया, अभी स्टेशन से सीधे चले आए। क्या घर भूल गए आप? अरे तुम्हारा घर भूल जाऊं और मैं? गैर मुमकिन है, ये तो मेरे एक दोस्त के घर। हमने आधा वर्ष जरूर आइएगा। ये मुझे कहाँ ले आए हरी? अबे नए डिजाइन की चीजें तो यही मिलती हैं, है? मगर यहाँ ऊपर कौन से डिजाइन है? बरखुरदार बटेर, तेरे सर की कसम ऐसी सजी हुई दुकान है। बल्कि गोदाम है, गोदाम। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। मैं झापा, फिर वही हरकत। अबे अच्छी चीजें तो ऊपर छिपा के रखी जाती, चला जा। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। अबे नहीं जाऊंगा क्यों है? शाबाश, आओ। नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं और लिए जा रहे हो। वाह बेटा, अबे जीने पर कदम रखते ही समझ आ गई है। तुम सब बहुत बदतमीज हो, मैं नहीं जाता, छोड़ो मुझे। नहीं पंडित जी, अब आप नहीं जा सकते। चला जा। रुक क्यों गया? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। आइए आइए। अरे हमारे पास एक कुमारी लड़की है। अभी तो हमें दे दीजिए, हम उन्हें सुहागन बना देंगे। हमारे होते भी। आपकी तारीफ? ये हमारे दोस्त पंडित जी किस्म के हैं। मेरी आंखों में खास है तो खूबसूरत। अच्छा जी, ले बेटा तेरी तो बहनी हो गई, सलाम कर बे। कर बे, शाबाश बेटा टैनी मुर्गे। तो भाई जी, हम जाए चिलम में दम वम लगाई है। ठहरो, रईस लोग आए हैं, अभी गाना वाना सुनेंगे। हाँ हाँ, इन्हें भी तो सुनाना है। जो बे, ये डिजाइन पसंद आया? मैं जाता हूँ। अबे बैठ बे, अजीब चपड़ कंचू आदमी। हाँ जी, आपने मुस्कुरा के लूट लिया, आपने मुस्कुरा के लूट लिया, किसी के सुगंध खा के लूट लिया। भोला भोला समझे रहे आंखें के
पाल तो शोभा के हाथ से शोभा देते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें, इन्हें भी तो दिखाना है। देखिए, बुलाती हूँ। लो बेटा, असली डिजाइन तो अब दिखाते हैं तुम्हें। हाँ, कलेजे पे हाथ रख लो गौर बाबू, दूर ही से करंट मारती है। मैंने कहा ये अकेले कमरे में क्या किया करती है? गीता पढ़ा करती है। अच्छा? तो यूँ कहिए कि वो औरत है। जी? तो आप अभी तक क्या समझ रहे थे? ये यूं ही चावा गंती है। मैं समझ रहा था कि वो भी आपकी तरह औरत की खाल में शैतान छुपा है। क्या बक रहा है? अजीब चपल कंचू, तो क्या ये औरत है? आपके सर पे बर्फ रखो। शोभा, अरे वो शोभा, बोलती क्यों नहीं? शोभा देवी जी, बस किताब रखो, ये किताब भले घर की बहु बेटियों के लिए है। अरे रोजगार का वक्त है, रईस लोग आए हैं, उठो। माँ, तुम्हारी एक दुकान तो चल रही है, फिर मुझे क्यों इस पाप में धकेलती हो? आए है, तो क्या मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए रखा है? जब मैं अपने पेट की जनी से रोजगार कराती हूँ तो तू क्या है? चल उठ, नखरे रहने दे। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन ये मुझसे न होगा। जबान चलानी खूब आ गई है, चल उठ। मैं औरत उसे समझता हूँ। मैं चपरा ने दूंगा। नहीं नहीं, कहने दीजिए। नहीं नहीं। हाँ साहब, आप औरत किसे समझते हैं? जिसका लिबास शर्म हया हो, जिसका श्रृंगार इज्जत आबरू हो। सही फरमाया आपने। अब आप ये भी बता दीजिए, हमारा लिबास कौन नोचता है, हमारा श्रृंगार कौन उजाड़ता है? अबे छोड़ो भी इन बातों को, वो देखो आई महफिल की शोभा है, जमाने की शोभा। आइए आइए लीजिए, आप इसे आदमी सिखाएं, सलाम तो कर। अरे यही अंदाज तो आशिक को मिठा देते हैं। बैठो बैठो। क्यों बेटा, आया डिजाइन पसंद है ना स्वर्ग की चिड़िया? अजी यूं ना घूरिए, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, क्यों छेड़ते हो जी उनको? वाह बेटा, अबे लगा चहकने है? अरे ऐसी सूरत पे से तो चांदी निछावर करो। अबे चांदी तो क्या, ऐसी सूरत पर तो दिल निछावर है दिल। बड़े बेशर्म हो जी तुम। वो मारा, अबे तेरे ऊपर तो जादू चल गया बेटा। अच्छा भाई, तू ही कामयाब हो जा, हमारी तो दाल नहीं गलती। माफ कीजिएगा, पांचों कपड़े पहन लेने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। ले कुंवर, तू तो बदमाश बना दिया गया। जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। आप मुझसे भी कह सकती हैं, इसलिए कि मैं ऐसे बदमाशों के साथ जो आया हूँ। अरे पान तो पेश कर। जी
ये आपकी आँख को क्या हुआ? ये जरा फटती है, फटती है। फटती है? जलीजिए। आपने बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया? बड़ी बदतमीज है, बस हम इसे कहेंगे। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। क्या हुआ प्रीति? चाचा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस गंदी जगह से निकाल दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करूँ प्रीति, मेरा कुछ जोर भी तो चले। क्यों रे, तू हमारा घर बदनाम करेगी? अरे जब इसको ये पेशा मंजूर नहीं तो क्यों जबरदस्ती करती हो? अजी पराई बेटी ईश्वर की अमानत है, इस कारण मना करता हूँ। और हमने जो ठुसा ठुसा के इतना बड़ा किया। मान जी, तुम लच्छी बहन के फटे पुराने कपड़े और अपने आगे का बचा कुचा खाना मुझे दे दिया करो, बस मैं तुम्हारे घर की दासी बनकर रहूंगी, मगर ये पाप मुझसे न होंगे। देखेंगे कैसे नहीं होंगे, बड़ी आई अपने मनमानी करने वाली। उस्ताद, जाओ अनंती प्रसाद से कह दो हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हमारे पार लगाओ नैया, हमारे पार लगाओ, तुम बिना भगवान कौन खवैया, तुम बिना भगवान कौन खवैया, नैया हमारे पार लगाओ। लाज बचाओ मुझ अबला की लाज बचाओ, तुम बिना हमरा कौन सहैया, तुम बिना हमरा कौन सहैया। प्रह्लाद की जान बचाई, हस प्रह्लाद की जान बचाई, मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ, मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ, जग के दाता कृष्ण कन्हैया, जग के दाता कृष्ण कन्हैया, नैया हमारे पार लगाओ, नैया हमारे। मैं आ सकता हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। और सब कहाँ हैं? आज उनकी बिरादरी में खाना है। उनकी बिरादरी और आपकी? अभी तक तो भगवान की दया से उनकी बिरादरी में नहीं हूँ, आगे किस्मत। एक बात पूछ सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? जी फरमाइए। आपको ये पेशा पसंद है? बोलिए, आप तो सोचने लग गए। मैं ये सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। जवाब तो बहुत छोटा सा है,
हाँ या नहीं? यहाँ बैठकर तो मेरी नहीं भी हाँ समझी जाती है। ये कैसे? बात ये है कि दुकान में रखी हुई चीज की लोग सिर्फ कीमती पूछते हैं, ये कोई भी नहीं पूछता कि चीज बिकाऊ भी है या नहीं। और ये कोठा भी एक दुकान ही तो है। जी, मैंने कल ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इस घर की शोभा नहीं। लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि मैं इस घर की शोभा बन जाऊं। और अगर आपको कोई अपने घर की शोभा बनाना चाहे? जी, मैंने कहा और अगर कोई आपको अपने घर की शोभा बनाना चाहे तो दुनिया वाले इतने बड़े जुर्म में उस शख्स को घर से बेघर कर देंगे। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं किसी के घर को जलाकर अपने हाथ नहीं सेकना चाहती। शोभा, मैं तुम्हें पाप से बचाने के लिए अपना सब कुछ भेंट देने को तैयार हूँ। लोग मंदिर और शिवालय बनवाकर धर्म की सेवा करते हैं, मैं तुम्हारी आबरू बचाकर धर्म और इंसानियत दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? नहीं। तो क्या उस दिन की शर्म, लज्जा, रोना धोना सब बनावट थी? यही कहेंगे ना आप, लेकिन वो बनावट नहीं थी। तो फिर आपको क्या चीज रोकती है? आपकी इज्जत। मेरी इज्जत? मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है जो आप एक वेश्या को अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं। वेश्या तो सिर्फ मर्दों की जवानी का खिलौना है, और खिलौने को जीवन साथी नहीं बनाया जाता, उससे सिर्फ खेला ही जाता है। जो ऐसा करते हैं वो इंसान नहीं, शैतान है। शोभा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो हाँ। नहीं, मैं आपकी जिंदगी का साथी बनकर आपको तबाह बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं शोभा, ऐसा न कहो। अगर मैं हाँ कह भी दूं तो ये घर वाले अब तो सिलगी भी नहीं चली जाएगी। मैं फिर आऊंगा। ये माना हमने के हुस्ने खुदा देता है, पर ये अंदाज तुम्हें कौन सिखा देता है? शिकम मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। इन्हीं लोगों ने ले लेना दो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दो बच्चा मेरा। मोरी न मानो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अलहाई गज हाय, जिसने अलहाई गज देना दो बच्चा मेरा, मोरी न मानो सैया से पूछो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो सैया से पूछो, जिसने उड़ा के क्या, जिसने उड़ा के मजा लेना दो पता मेरा, जिसने उड़ा के मजा लेना दो। पता
अबे बंद क्यों किया? और तो बताता हूँ। क्या बताता है? वो पंडित है पंडित। कौन पंडित? अरे वो कुंवर। हाँ तो क्या हुआ? ठिकाने लग गया। अभी क्या मर गया? मरा वरा नहीं। हाँ वो तुम्हारी लच्छी क्यों गया है? लच्छू इसके सर पे बर्फ रख। अरे बर्फ नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। सच कहता है? हाँ। लच्छू मेरा कोट तो ला। देखना बेटा अगर मुझसे चालबाजी की तो याद रखना। अरे घुंघरू तो उतारते जाओ। अरे हाँ यार खोल दे। अबे हमारी बिल्ली हम ही से मैं हैं? दुए झापा। मत क्या हुआ है भाई साहब, बिना वजह कैसे जा रहा है? मैं चपल कंचू अपनी भाभी पे डोले डालने शुरू करती। ए मिस्टर जवान सवाल से बात करना। हाँ मेरी भाभी मेरी माँ। भैया बढ़िया काम तो जब हो कि जब तुम मेरी मदद करो। फरमाओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये तो तुम जानते हो कि शोभा वेशिया की लड़की नहीं। जानता हूँ और कहो। इसीलिए वो अपनी आबरू बेचना नहीं चाहती। मगर बेटा चपड़ कंचू वो तो बिक के रहेगी है? मेरे जीते जी उसकी आबरू नहीं बिक सकती। अच्छा जी ये जोर है। आज मालूम हुआ बेटा कि तुम जवान हो गए। अम्मा भाई साहब हंसी तो उड़ाइए मत, मैंने उससे ब्याह करने का फैसला कर लिया। अबे चपड़ कंचू क्यों शामत आई है तेरी? भैया इतने जूते मारेगा बेटा कि तेरी चंदिया गंजी हो जाएगी। पागल हो गए हो हरी बाबू, घर में आई हुई लक्ष्मी निकाल दे। देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारा पेशा नहीं करना चाहती। शादी कर दो, लड़का भी अच्छा है। तो दे दे वो 2-4 लाख रुपया, सीने पर पत्थर रख कर शादी कर देंगे। 2-4 लाख रुपए तो नहीं, मगर हाँ 2-4 हजार रुपए दे सकता हूँ। अरे बाबू हवा खाओ, सेठ नंदी प्रसाद को फसाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके बाप के बराबर है। कुछ भी हो मगर हमने तो जबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुन लो, नहीं तो पछताओगे। क्या कहते हो हरी बाबू, हमने भी जमाना देखा है। लेकिन मुझे नहीं देखा है, समझी? कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाने चले हैं। माँ मुझे जहर दे दो, मेरा गला घूट दो, मगर मुझे न बेचो। चुप रह कमबख्त, 10,000 रुपए कम होती हैं? फिर सेठ नंदी प्रसाद जैसा आदमी। अरे क्या करते रे बाबू? अरे कोई बताना। अरे अरे बाबू क्या करते हो? अरे कोई बताना बाबा। अरे कोई बताना। अरे 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 बाबू ऐसे वाला बना मैं अभी बताता हूँ। अरे बाबू अबे अंदर कहाँ घुस गया है? अरे अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाबू अब हाथ जोड़ता है? अरे बाबू समाज के बगला बगला ये पुन कर रहा है। अरे शोभा तेरी लड़की के माफक है और तू उससे मोहब्बत करता है? अरे हरि बाबू अरे क्या कर रहे हो बाबू? हाथ जोड़ता है। अरे हरि बाबू हैं? अरे कोई बुढ़िया ख्याल करो हरि बाबू। अरे हरि बाबू ये क्या कर रहे हो? अरे सब जाओ सब जाओ। अरे कहा जा रहा है? दूध पिए जा। खबरदार हरी आगे कदम न बढ़ाना, नहीं तो मैं इसी से अपना सर तोड़ लूंगी। हरी पगली ये पागलपन छोड़ दे। मैं कुंवर की तरफ से आया हूँ और मैंने शराब का ढोंग इसलिए रचाया कि मैं तेरी आबरू बचाऊं, समझी? चल तू मेरे साथ चल। छोड़ो मुझे हाथ न लगाओ। अरे बोल नहीं तो सब मामला चौपट कर देगी। चल तू चल मेरे साथ चल। नहीं मुझे तुम पे एतबार नहीं। अरे भगवान की कसम मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, अब तो एतबार हुआ। हाँ बहन बहन बहन। अब मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर पिछले दरवाजे की सीढ़ी से उतर के मेरा इंतजार कर और सुन ये सब गंदी चीजें मुझे दे दे। अरे ये नथनी भी दे दे। अरे जल्दी उतार कहीं वो लोग आना जाएं। खबरदार यहाँ से उठी तो मैं सबको देख लूंगा कौन है। अरे हरी बाबू ये क्या हो गया? अरे बाबू क्या ले? ये रही तेरी शोभा। क्या देखती है? अबे ठहर कहाँ भागता है? भाई ये नहीं होगा, ऐसा ब्याह तुम्हारे बाप जन्म में भी नहीं हुआ है। हम हाथ जोड़ते हमें छोड़ दो भाई।
मैं छोड़ दो, बाल बच्चे वाले हैं, मैं छोड़ दो भाई। अब तो ये ब्याह होकर ही रहेगा, चाहे तुम चीखो या चिल्लाओ। टीका लगा दिया तो ब्याह भी करवाना ही होगा। अबे बैग, चल बैग। अबे कैसा पंडित है, हंसी खुशी के काम में रोता है। पर ये कैसा ब्याह, न बरात न बराती। अबे पंडित होकर जाहिलों किसी बात करता है? बता कौन से शास्त्र में लिखा है कि बगैर बरात के शादी नहीं होगी? होगी 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 होगी, पर लड़की का बाप कौन है, कन्यादान कौन देगा? कन्यादान? हाँ। अबे तुम पंडितों की तो आदत होती है, एक ना एक नई बात लेकर बैठ ही जाते हो। इसमें नई कौन सी बात है, बिना कन्यादान के तो शादी हो ही नहीं सकती। अबे कहाँ से उठा लाया ऐसे पंडित को? हाँ भाई ठीक, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, कन्यादान कौन देगा? सुना तुमने? हाँ हाँ, बड़ा भाई बजाय बाप के होता है। अच्छा पंडित जी, मैं देता हूँ कन्यादान, मगर देखना फिर कोई नई बात ना निकालना। शुरू करो। हरे बाबू। त्रयंबकम् जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् रुक्मिणी उपनयनान् मृत्युर्मुक्तिमामतात्। हरे बाबू, हरे बाबू। क्या है, क्यों चिल्लाती है? हरे बाबू, हम पर दया करो, हमें बर्बाद ना करो। अरे क्यों शोर मचाती है, चल जाए यहाँ से। अरे बाबू, हमारे पेट पर लात ना मारो। अरे बाबू, अरे तुम लोग तो जूते मारने के लायक हो है? एक नेक शरीफ लड़की के आबरू लेने पर तो लेती, चल जाए यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। भगवान कसम हरे बाबू, यदि तुम ब्याह करने से तो मुझे इतना दुख ना होता, पर तुमने तो दूसरे के हवाले कर दिया। क्या भक्ति है, मैं शादी करूं? मैं तो अकेला मस्त हूँ। और सुन, शोभा के लिए कुएं से बढ़ के बर नहीं मिल सकता, तू जा यहाँ से, चिल्ला मत अब। देखो हरे बाबू, मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी भी बात बन सकती है, नहीं तो पीछे पछताओगे हरे बाबू। अरे पछताएगा, चल जाए यहाँ से। अच्छा हरी बाबू, हम भी अपनी जात की नहीं, जब तुम लोगों को चैन से बैठने दिया। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलालय तनु हरि। चिरंजीव रहो, खूब सदा फूलो फलो, आनंद से दिन बीते। शोभा, आज से ये सब तुम्हारे जेठ और देवर हैं। जी नहीं, ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरा मैका है। हाँ हाँ, हम सब भाई हैं। देख भाई, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता नाजुक हो गया है। हाँ भाई, हमारी बहन को आज से तुमने जरा भी दुख दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है भाई। नहीं ससुर साहब, अब इजाजत है। बड़ा बेमरवत है तू, अबे जोरू मिलते ही घर की सूजी। तो और क्या। अच्छा, अरे अरे कहीं भैया ना मिल जाए, ये हर बार तो उतरवा दो। पंडित जी को दे दे, वाकई वो बड़ा बेदब आदमी। तुम भी उतार दो। चलो आप। और मेरी दक्षिणा? तुम जरा सब्र करो पंडित जी, मैं अभी आके देता हूँ। लो बहन, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सका। ऐसा न कहो भैया, इससे ज्यादा और क्या धूमधाम से हो सकती थी। अच्छा ससुर साहब, अब इजाजत है, जाओ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अबे तू भी जो लो भाभी, तुम्हें बड़ा अरमान था हमारी दुल्हन का, यह है तुम्हारी बहू और यह है हमारी भाभी जी। मेरी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी वैश्या के यहाँ पली है। ये वो ही था। अरे अरे अरे, तुझे यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख ले। हाँ
क्या कहा? अच्छा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। इसीलिए झटपट ब्याह हो गया। शाबाश बेटी, तूने सारी दुनिया की औरतों की लाज रख ली। अगर हम पिंजरे में बंद रहकर आबरूदार हैं तो क्या है, कमाल तो तुम्हारा है। इसने पाप की दुनिया में रहकर अपनी आबरू को न मिटने दिया। भाभी अब मजा तो जब है कि किसी तरह भैया को मना लो। हाँ हाँ तुम देख कर रहो। रामी भैया का सामान लेकर नए मकान में जाओ। अब देखो जब तक मैं तुम्हारे भैया को न मना लूं तुम वहीं रहना। हाँ हाँ अच्छा अब जाओ, उनके आने का टाइम है। जाओ जाओ। तूने मेरा कुर्ता फाड़ा, मैं तेरी साड़ी फाड़ूंगा। बड़े आए साड़ी फाड़ने वाले, पकड़ो तो जानू, पकड़ो। ठहर तो। ठहरो तुम जाती। भाई भाई जाओ, हमको फुर्सत नहीं। हाजी चौधरी तुम भागो जी जरा। अरे कहा का क्या बोल भी कुछ क्या हुआ? मेरे खाने कमाने की रोटी, मेरे खाने कमाने टूट गया। अरे बोल भी। अरे बिटिया, अरे मेरी बिटिया, मैं कहाँ जाऊँ?
बेटा बको भी कुछ। बेटा तुम मुझे नहीं पहचानते पर मैं तुमको अच्छी तरह जानते हूँ। अच्छा अच्छा बाबा बोलो भी कुछ, बोलोगी भी या नहीं? बेटा वो तुम्हारे भाई कुंवर जी जो है वो मेरी शोभा को मेरी बिटिया को भगाने गए। अरे भगाने गए? मेरा भाई कुंवर ऐसा नहीं है, कोई और होगा। वो तो ऐसे नहीं है पर वो हरि बाबू उसको तो उसके और थे निकले माटी मिलो मेरे काने कमाने की डपली मेरी रोटी का ठिकरा भगाने गए। तो मैं क्या करूं अगर हरि बाबू कमा के ले गए भगा के ले गए? तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकते हो? तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकते हो? मैं कैसे दिला सकता हूँ? तुम्हारे भाई जो कुंवर जी है कल मेरी बिटिया से जबरदस्ती ब्याह कर लिए। कुंवर? अरे कोई और होगा, कुंवर ऐसा नहीं है। पगली कहीं की। मैं सच कहती हूँ, मैं विश्वास दिला सकती हूँ, भगवान की कसम, गंगा जी की कसम, तीन दुनिया की। अरे बक नहीं, तीन दुनिया की कसम, गंगा जी की कसम, है? अगर कुंवर ने तुम्हारी लड़की को भगाया तो तुम्हारी लड़की को वापस भेजवा दूंगा। जाओ यस जाओ दफा हो जाओ निकलो। मजाक बना रखा है कुंवर, नहीं ये नहीं हो सकता। और अगर उसने ऐसा किया है उसको वापस देना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि उस वैश्या की बच्ची को तुमने घर में क्यों घुसने दिया? वो गरीब अपनी आबरू बचाने यहाँ आई तो वो वैश्या है और जिन बाई जी के यहाँ आप नाक रगड़ने जाते हैं वो देवी है। वो कोई भी हो लेकिन कुंवर को एक वैश्या से शादी करके मेरी आबरू मिटाने का क्या अधिकार था? मैं कहती हूँ तुम्हारी आबरू थी ही तब जिसे वो मिटा देता। तो यूं कहो कि तुम भी मेरी नाक कटवाने में उसके साथ मिली हुई हो? हरगिज नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि उसने कोई पाप नहीं किया। नहीं बड़ा पुण्य का काम किया पाजी ने। बेशक किसी की आबरू बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हरगिज नहीं, अपनी आबरू बर्बाद करके दूसरे की आबरू बचाना ये सरासर पागलपन और नादानी है। मैं उसको घर से निकाल कर रहूंगा। नहीं यूँ कहिए कि आप अपने भाई का घर बर्बाद करने जा रहे हैं। एक वैश्या को घर में रखना ही अपना घर बर्बाद करना है। हरगिज नहीं, वो वैश्या नहीं कुंवर दीवाना नहीं। कुंवर दीवाना नहीं, कुंवर दीवाना नहीं, दीवाना नहीं तो क्या है? तुम भी उसके साथ दीवानी हो। सुनिए तो, पहले मैं उसको घर से बाहर निकाल लूं फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नाथ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे प्यार पड़ती हूँ। नाथ अपने भाई का घर न बर्बाद करो। नाथ ये क्या करते हो? क्यों क्या हुआ? इस तरफ हम लोग पैर करके सोएंगे ना। तो ये कौन से कृष्ण भगवान की तस्वीर है? कृष्ण भगवान की तो नहीं मगर मेरे देवता की तो है। भैया आ गए, तुम यहीं ठहरना मैं अभी आता हूँ। नमस्ते भैया। कहाँ है वो छोकरी? कौन कौन? वही जिसे तुम खानदान भर की इज्जत बेचकर घर ले आए हो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ क्या शहर भर में शरीफ लड़कियां मर गई थी जो तुम एक वैश्या को उठा लाए हो? भैया मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए ये अल्फाज सुनने को तैयार नहीं। और मैं भी एक ऐसी जलील औरत को अपनी भावेजा बनाने के लिए तैयार नहीं। मगर वो ऐसी नहीं जैसा आप ख्याल फरमा रहे हैं। बेवकूफ, वैश्या के घर पैदा हुई लड़की कभी शरीफ हो सकती है? क्यों नहीं, अगर कोई बेवकूफ गंगा जली को शराब की दुकान में रखाए तो क्या वो गंगा जली शराब समझी जाएगी? बेशक, क्योंकि वो शराब की दुकान में है इसलिए लोग उसे शराब ही समझेंगे। ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है भैया। कुंवर नादान न बनाओ, सड़क पर फेंके हुए खिलौनों को मूर्तियां न समझो। क्यों न मूर्तियां समझूं? क्योंकि मूर्तियां और खिलौने एक ही मिट्टी के बने हुए हैं मगर आप ही लोग एक को उठाकर मंदिर में बैठा देते हैं और दूसरे को खिलौना समझकर खेलते हैं और जब दिल भर जाता है तो उसको उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। और तुम सड़क पर फेंके हुए खिलौनों को देवियां समझकर घर ले आते हो? जी हाँ, क्योंकि हर चीज की कीमत उसका परखने वाला ही खूब समझता है। परखने वाला बेवकूफ, मसले हुए फूलों को कोमल कलियां समझ रहा है। जी नहीं, मैं तो कली को कली और फूल को फूल ही समझता हूँ मगर आप लोग दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकते फिरते हैं। जो बाजार में बैठने वालियां जिनके उजाले में गंदी और पापन कही जाती हैं, वही रात को देवियां बनाई जाती हैं, उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं,
उनके पैर चूमे जाते हैं, उनके सामने झूठी कसम खाई जाती है। पाजी कहीं का मुझको इल्जाम देता है, मेरी आबरू मिटाकर मेरा अपमान करता। मैं आपका क्यों अपमान करता, आपकी आबरू आपके साथ, मेरी आबरू मेरे साथ। बेहूदा नालायक, मैं ये पूछता हूँ कि तुम उस दलील औरत को घर से निकालोगे या नहीं? अगर निकालना ही होता तो उसे इतनी इज्जत के साथ घर में ना लाता। अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं खुद उसे निकालता हूँ। भैया भैया, मेरा घर तबाह करके आपको क्या मिल जाएगा? भैया बकवास न करो, घर तबाह करके। भैया भैया कहाँ हो? ओ कुंवर कुंवर, तुम एक उड़ती चिड़िया को जबरदस्ती पिंजरे में बंद करना चाहते थे, वो मौका पाकर उड़ गई? नहीं, बल्कि यूं कहिए कि उसने दो भाइयों में लड़ाई कराने के बजाय खुद दर दर की ठोकरें खाना मंजूर कर ली। मगर अफसोस भैया, आपने उसे नहीं पहचाना। पहचाना? मैंने तो उसे बगैर देखे ही पहचान लिया था, इसीलिए उसे निकालने आया था, वो खुद मौका पाकर भाग गई। किसी और का मन मंदिर बसाने के बस लिए। बस कीजिए भैया बस, अब क्या मेरी जान ही लेना बाकी है? अच्छा बाबा, मैं जाता हूँ। बस तन ढाकने को कपड़ा और पेट भर रोटी चाहिए। ना बाबा ना, तुम जवान चिकनी चुपड़ी औरत को नौकर रख के अपने मर्द को हाथ से खोना है? अजी, मैंने कहा ये कौन है? नौकरी ढूंढने आई है। रख लो, अच्छी तो है। क्या कहा? मैंने कहा अगर ये शराफत से रहे तो अच्छी बात है, तुम्हें नौकरानी की जरूरत भी तो है। तो ऐसी नौकरानी जो पहनने ओढ़ने से रानी मालूम हो? जा बाबा जा, कोई दूसरा घर देख। मैंने कहा दाल जल रही है, जाओ जाओ देखो कहीं बिल्कुल ना जल जाए। कल ये मैके जाने वाली है, तू आ जाना, आज ये रुपया खर्च के लिए ले जा। नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। पगली कहेगी, हम तुझे नौकरानी नहीं इस घर की रानी बना कर रखेंगे। इस घर की रानी बना कर रखेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए देवी, देखिए देवी, देवी जी की बच्ची वैश्या कहीं की, चल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। बेटी क्या बात है, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? बाबा, न मेरी माँ है न घर बार, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। पगली, भगवान जो है, चल मेरे साथ। नहीं बाबा, मुझे ऐसी पवित्र जगह न ले जाइए, लोग मुझे वैश्या पुत्री के नाम से पुकारते हैं। पुकारने दो, भगवान तो सबके हैं, उनके दरबार में ऊंच नीच राजा भिखारी सब बराबर हैं। उनसे अपने दुख की कहानी कहो, वो जरूर सुनेंगे। चलो बेटा। कुमार मत जाओ, कुमार मुझे जाने दो। भाभी मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे देखो जाएगी। ऐसा ना कहो ईश्वर के लिए। भाभी तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे मैं लड़ाई पर जा रहा हूँ, मुझे इस शहर से नफरत हो गई है। भाभी मैं गांव में बहुत खुश रहूंगा, मुझे जाने दो। आपको शहर भर से नफरत हो गई है, वो भी एक वैश्या के लिए, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो वैश्या ही न हुई जो सुख और चैन से घर में बैठे और वापस लौट कर बाजार का मजा न ले। भैया ईश्वर के लिए, अब तो मेरे जख्मों पर नमक न छिड़किए। हाँ हाँ, जो जी में आए करो, तुमने मेरी बात आगे मानी ही कब है, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। नमस्ते भाभी। न जाओ कुमार, कुमार न जाओ। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है, जमाने भर के सताए हुए को
आप फिर इस दुनिया के जंजाल में फंसा देना चाहते हैं? नहीं बेटी, मुझे तेरी जवानी पर दया आती है, इसलिए कहता हूँ। नहीं बाबा, जिस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, अब मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं अपना जीवन बिताने दीजिए। अच्छा, जा बेटी, भगवान के चरणों में जाके गिड़गिड़ा, और जब तक भगवान से अपनी बात न मनवा ले, उनके चरणों से उठना मत। जा। महाराज, महाराज, कितनी अच्छी लड़की है। जरा बात सुनिए। आपने इस लड़की को मंदिर में क्यों रखा है? इसका भगवान के सिवा और कोई नहीं। लेकिन महाराज, आपको बदनाम किया जा रहा है। हम बदनामी से नहीं डरते, सिर्फ भगवान से डरते हैं। महाराज, आजकल भगवान से ज्यादा हम दुनिया वालों से डरो जो आपको बदनाम कर रहे हैं। मूर्ख, दुनिया वालों से डरो। हाँ महाराज, ऐसा न हो कि धर्मदास जी को मालूम हो जाए और वो आपको जलील करके मंदिर से निकाल दे। इसलिए आज इस लड़की को मंदिर से निकाल दो। सुन रहे हो भगवान, मेरा ठिकाना तुम्हारे यहाँ भी नहीं। आज मैं निकाल दी जाऊंगी। मैं कहीं क्यों न चली जाऊं। प्रभु, याद रखना, प्रभु तुम्हारे चरणों में भी मुझे जगह न मिली। उसका दिल न दुखाओ, वो दुखियारी है। मान जाओ महाराज, नहीं तो पछताओगे। भगवान सब जानता है। हैं? वो तो जा रही है। शोभा, मत जाओ शोभा, वापस आ जाओ। दुनिया जालिम है, मक्कार है। शोभा, भगवान के चरण छोड़ के मत जाओ। शोभा बेटी, शोभा। ये गम का फसाना है, ये गम का फसाना है, कोई भी नहीं सुनता। बेदर्द जमाना क्यों
ले थोड़ा तुम भी खा लो। नहीं। क्यों भूखी नहीं हूँ? मगर मौत की है तुम्हारे पास। और पगली, हम लोगों की तो जिंदगी मौत है। मैं ऐसी जिंदगी और मौत से तंग आ चुकी हूँ। अरे हटाओ जी झगड़े को, जो कुछ देर संग किया थोड़ा सा खा लो। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए। सुनो तो, बस फिर यही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत यहाँ हमारी किस्मत जगाने के लिए तुम्हें ले आई है। अकेला आदमी ना हंसता वाला ना रोता, और मजा ये है कि तुम भी गाना जानती हो, है और हमारा तो धंधा ही गाना बजाना है। अब दोनों मिलके गाएंगे, सेठियों को खुश करेंगे और पेट भर के खाएंगे। नहीं नहीं, मैं बड़ी मनहूस हूँ, जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अजी हम तो ये जानते हैं कि हम गरीब लोग तो मुसीबतें उठाने के लिए पैदा ही हुए हैं, समझे? क्यों तुम अकेली हो? तुम्हारा कोई भाई भाई कोई साथी वाथी नहीं? बस यही समझ लो। अच्छा, फिर तो वो मिल रहेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने लोग। आलू खाओ खाओ, तुम थोड़ा खा लो जी, पेट में भर जाएगा। ये भी खाओ, ले। तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम बताओ। मालती। मालती, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और तुम भी अच्छी हो। आशिक तेरे जीते हैं ना खून के सहारे, आशिक तेरे जीते हैं ना खून के सहारे, जिंदा करे एक आँख से एक आँख से मारे, जिंदा करे एक आँख से एक आँख से मारे, जो देख ले जादू भरी आँखों के इशारे,
वो अपना जिगर थाम के हरदम ये पुकारे क्या चलाए 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 जदुआ चलाए 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 जदुआ गुरबा के ननन से चलाए जदुआ गुरबा के ननन से चलाए जदुआ अब हम तो हमें छा के लिए हो गए तेरे दिल छीन लिया तेरे निगाहों ने लुटेरे करते हैं तेरे पूछ के हम सैकड़ों तेरे हाँ सैकड़ों तेरे करते हैं तेरे पूछ के हम सैकड़ों तेरे कहते क्या चलाए 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 जदुआ चलाए 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 जदुआ तुझे बाके ननन से चलाए जदुआ तुझे बाके ननन से चलाए जदुआ क्या जदुआ चलाया चलाए जदुआ अबे यार तू तो मारवाड़ी धेला देते शर्म नहीं आती एक आना दो आने दे निकाल जल्दी कर ये तेरा तू थक्कड़ भाई हो मुफ्त भाई तुम्हारा देखते हो वाह भाई वाह ये खुश रहो खुश रहो खुश सुनो तुम लोग नौकरी करोगे नहीं बाबा हमें नौकरी वोकरी नहीं करनी तुम यहाँ जाओ यहाँ से चलो अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती ए मिस्टर तुम संभाल के बात करो भी कौन मांगता है हम तो अपने गाने बजाने का इनाम पाते हैं अच्छा बाबा इनाम ही सही बिगड़ते क्यों हो मगर मैं तो तुम्हें इससे भी अच्छी इज्जत वाली नौकरी देना चाहता हूँ नौकरी वोकरी नहीं करना तुम जाओ यहाँ से जाओ अरे भैया सुनो तो सही उस नौकरी में तुम्हें दौलत इज्जत नाम शोहरत सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा दौलत नाम शोहरत हाँ हाँ यार तुम झूठ बोलते नहीं राम राम करो हम कभी झूठ बोलते हैं नहीं बोले नहीं जी मालती क्या राय है फिर तुम चाहो तो चले जाओ मेरी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है तो हटाओ हम अकेले जाके क्या करेंगे जाइए साहब आप जाइए देखो ये मौका हाथ से ना छोड़ो वरना जिंदगी भर पछताओगे अब हम क्या करें यार वो तो जाती नहीं हम अकेले जाके क्या करेंगे जाओ बाबा तुम जाओ सोच लो ये लो मेरा कार्ड इस पर मेरा पता लिखा हुआ है यार ये कार्ड लेके हम क्या करेंगे हम पढ़े लिखे तो है नहीं किसी से पढ़वा लेना अच्छा देखो ठंडी सड़क पर 14 नंबर की कोठी बस वहीं अपनी कंपनी ठहरी हुई है अच्छा ठंडी सड़क पर 14 नंबर की कोठी वहाँ तुम्हारी कंपनी ठहरी हाँ वहीं अपनी कंपनी ठहरी हुई है हा? अच्छा बाबा हमें नौकरी करनी होगी तो तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी कोठी में आ जाएंगे जरूर आना जाओ अच्छा नमस्ते 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 मालती हाँ चले आज तो बहुत से पैसे मिले हैं खा नहीं रहे हो क्या आज भी दाल में नमक ज्यादा हो गया नमक तो ठीक है मालती मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ मैं समझता हूँ मालती वो थिएटर वाला बात अपनी फायदे की कहता था चलो हम तुम भी नौकरी कर देखें शायद दौलतमंद बन जाए दौलतमंद वही दौलतमंद जो दौलत के घमंड में इंसान तो क्या परमात्मा को भी भूल जाता है पगली पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मालती अगर तुम इस पापी दुनिया वालों से मुकाबला करना चाहती हो तो दौलतमंद बनने की कोशिश करो तो क्या मैं दौलतमंद बनकर इनका मुकाबला कर सकती हूँ क्यों नहीं लोहा ही लोहे को काटता है मालती तुम दौलतमंद बनकर इन मर्दों को बता सकती हो कि औरत जितनी कमजोर है वक्त पड़ने पर उतनी ही ताकतवर है वो दुनिया में इंकलाब पैदा कर सकती है और अगर चाहे तो अपना बदला भी ले सकती तो क्या मैं दौलतमंद बनकर तुमसे बदला भी ले सकती हूँ हाँ क्यों नहीं अच्छा हाँ
तो मैं थिएटर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे पहले नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा खाना तो खा लो। अजी नहीं आके खा लेंगे। हाँ क्या समझती हो? हाँ ये कौन लाया? ओ आप लोग आ गए। आइए 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 आइए। अजी हमने कहा चलो सेठ साहब की नौकरी कर ही लो। कल बेचारा हमारी बड़ी खुशामद कर रहा था। अच्छा किया अच्छा किया। ए डायरेक्टर साहब को बुलाओ। बैठिए कुर्सी पर बैठिए। ये क्या टूट जाएगी? नहीं टूट तो नहीं जाएगी, मतलब मेज पर नहीं बैठा करते। अरे यार ये सब ढकोसले जहाँ जी चाह वही बैठ जाओ, क्या समझे? जीवन सुनते नहीं, चलो बैठे कुर्सी पर। तुम तो हर बात हमें डांटती रहती हो, ये मत करो वो मत करो। अच्छा ला यार सेठ कोई बीड़ी सिगरेट ही पिला दो। हाँ लीजिए लीजिए। अरे यार इसमें तो बहुत सी है। जरा दिया जलाई दे दो। हाँ। अरे ये क्या करते हैं, जलाओगे यार हमें? नहीं नहीं इससे सिगरेट सुलगाए जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ जलाओ फिर हम भी सुलगा के देखें। अरे वाह भाई वाह, तुम तो जादूगर हो यार। अरे क्या करती हो? देखो उसने टीन की डिबिया में आग बंद कर रखी है। क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ आप हैं मालती देवी और आप? हाथ उधर रखो यार, हाथ उधर रखो, तुम जादूगर हो बाबा। क्या ठिकाना तुम्हारा? हम जीवन है जी। अच्छा चलिए रेसल रूम में। अरसर भरसर क्या क्या बोला, जो कुछ कहने का वो यहाँ को। जीवन तुम खामोश नहीं रहोगे? 10 दफा समझाया बस हम ही से कहा तुम। चलिए चलिए अरे यार ये कहाँ ले गए? वो उसका इम्तिहान लेने गए हैं। इम्तिहान काहे का भाई? अरे भाई वो देखेंगे कि वो ड्रामा बोल सकती है, नाच सकती है, गा सकती है। गा सकती है, नाच सकती है, गा नाच नहीं सकती तो कल तुम हमारी खुशामद क्यों कर रहे? चलो भाई कंपनी की नौकरी कर लो। अरे बाबा घबराओ नहीं, वो पास वाले कमरे में ही है। हाँ? नहीं नहीं ऐसे नहीं। अच्छा मैं एक दफा फिर बोलती हूँ, चलो हटो मैं तुमसे नहीं बोलती। ऐसा ना कहो, तुम मेरी जान हो। अरे ओ जान वाले, चल लगाऊंगा एक जान हो मेरी, क्या मजाक बना रखा? चलो जी मारती चले। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा ही पार्ट कर रहा था। अरे मेरा पार्ट कर रहा था, ये तो मोहब्बत कर रहा था, इशक इशक। चलो जी जरा तुम बोलो, हम देखे कैसे बोल रही थी तुम। चलो हटो मैं तुमसे नहीं बोलती। नहीं बोलती तो मत बोलो, हम कब तुमसे बोलती है। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ पाके साजना, परदेसी बालमा ओ पाके साजना। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। हाँ सतन के घर में उम्र राजा होना जाए टूना। कैसे कटेंगे Thank you.
धरम दास जी को कौन नहीं जानता। सजनो मैं आप लोगों का दास हूँ। जी हाँ सब प्रसाद मांग रही हूँ। इसको ना छूना, घर के लिए वो अमल आ रहा है। अच्छा ये बाई जी के लिए है? बाई जी नहीं, वो अपने। क्यों झूठ बोलते हो? मैं कहती हूँ बुड्ढे होने आए और अभी तक ये बातें नहीं नहीं। फिर वही पुराना दुखड़ा लेकर बैठ गई। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि अब भी मंदिर की मूर्त किए चले आ रहे हो और अभी चले एक बाजारी औरत की यहाँ। चुप करो, क्या गजब कर रही हो? घर में मेहमान जमा है, कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? मत भूलो नाथ, अगर वो दयालु है उसे सजा देनी भी आती है। जब वो ढीली रस्सी खींचेगा तब सर पकड़ कर रोगे। तुम्हारा कलेजा भी तभी ठंडा होगा। मैं रात को घर नहीं आऊंगा। देखो बहन, ये तुम्हें नजर लगा रहे थे। भगवान, हर औरत को तुम्हारे जैसा नसीब दे। हमें लगन वहाँ जाना है, कुंवर अंदर खुदा मालूम क्या कर रहा है। बहुत आदमी खड़े, लाओ यार लाओ। अजी कोई बगला बगस होगा, बगला बगस। कहिए मेरे उस्ताद की खाला इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं भी नहीं, तुम्हारा हुक्म पाते ही झट से मुहूर्त खत्म किया, भागा भागा घर गया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और झट से अपनी सरकार की खिदमत में हाजिर हो गया। बस रहने दीजिए, हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप यही अदाएं तो धर्मदास का धर्म नष्ट कर देती हैं। आधा वर्दे कहो, तबीयत अच्छी? कहिए कब आया बॉम्बे से? बॉम्बे से? बॉम्बे से तुम लोग अभी अभी चले आ रहे हैं, तुम्हारी कसम स्नान तक नहीं किया, अभी स्टेशन से सीधे चले आ रहे हैं। क्या घर भूल गए आप? अरे तुम्हारा घर भूल जाऊं और मैं? गैर मुमकिन है, ये तो मेरे एक दोस्त के घर। हमने आधा वर्दे जरूर आइएगा। ये मुझे कहाँ ले आए हरी? अबे नए डिजाइन की चीजें तो यही मिलती हैं, है? मगर यहाँ ऊपर कौन से डिजाइन है? बरखुरदार बटेर, तेरे सर की कसम ऐसी सजी हुई दुकान है। बल्कि गोदाम है, गोदाम। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। मैं झापा फिर वही हरकत। अबे अच्छी चीजें तो ऊपर छिपा के रखी जाती, चला जा। नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाता। अबे नहीं जाऊंगा क्यों है? शाबाश आओ। नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं और लिए जा रहे हो। वाह बेटा, अबे जीने पर कदम रखते ही समझ आ गई है। तुम सब बहुत बदतमीज हो, मैं नहीं जाता, छोड़ो मुझे। नहीं पंडित जी, अब आप नहीं जा सकते। दमदम के चला रहा भाई। अबे जान रुक क्यों गया? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। आइए आइए। अरे हमारे पास एक कुमारी लड़की है। अरे तो हमें दे दीजिए, हम उन्हें सुहागन बना देंगे। हमारे होते भी। आपकी तारीफ? ये हमारे दोस्त पंडित जी किस्म के हैं। मेरी आंखों में खास है तो खूबसूरत। अच्छा जी, ले बेटा तेरी तो बहनी हो गई, सलाम कर बे, कर बे। शाबाश बेटा टैनी मुर्गे। तो भाई जी हम जाए चिलम में दमम लगाई है। ऐ ठहरो, रईस लोग आए हैं, अभी गाना वाना सुनेंगे। हाँ हाँ, इन्हें भी तो सुनाना है। क्यों बे, ये डिजाइन पसंद आया? मैं जाता हूँ। अबे बैठ बे, अजीब चपड़ कंचू आदमी। हाँ जी भोला भाला समझ रहे आते।
जादू चला के लिया उसने जादू चला के लिया सबसे जाऊं मैं अब रुओ दो खंजर दिखा के लिया दो खंजर दिखा के लिया आपने मुस्कुरा के लिया आपने मुस्कुरा के लिया देखे चितवन दिखा के लिया क्या कहने है पानों नहीं खाया आप लोगों ने जी पाल तो शोभा के हाथ से शोभा देते हैं हाँ हाँ बुलाओ उन्हें इन्हें भी तो दिखाना है देखिए बुलाती हूँ लो बेटा असली डिजाइन तो अब दिखाते हैं तुम्हें हाँ कलेजे पे हाथ रख लो गौर बाबू दूर ही से करंट मारती है मैंने कहा ये अकेले कमरे में क्या किया करती है गीता पढ़ा करती है अच्छा तो यूँ कहिए कि वो औरत है जी तो आप अभी तक क्या समझ रहे थे ये यूँ ही चमकती है मैं समझ रहा था कि वो भी आपकी तरह औरत की खाल में शैतान छुपा क्या पक रहा है अजीब चपल कंचू तो क्या ये औरत है आपके सर पे बर्फ रखो शोभा देवी जी बस किताब रखो ये किताब भले घर की बहु बेटियों के लिए है अरे रोजगार का वक्त है रईस लोग आए हैं उठो माँ तुम्हारी एक दुकान तो चल रही है फिर मुझे क्यों इस पाप में धकेलती हो आए है तो क्या मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए रखा है जब मैं अपने पेट की जनी से रोजगार कराती हूँ तो तू क्या है चल उठ नखरे रहने दे नहीं माँ मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं भीख मांग कर खा लूंगी लेकिन ये मुझसे ना होगा बाहर चलाने खूब आ गई है चल उठ मैं औरत उसे समझता हूँ मैं चपरा ने दूंगा एक नहीं नहीं कहने दीजिए नहीं नहीं हाँ साहब आप औरत किसे समझते हैं जिसका लिबास शर्म हया हो जिसका श्रृंगार इज्जत तो आबरू हो सही फरमाया आपने अब आप ये भी बता दीजिए हमारा लिबास कौन नोचता है हमारा श्रृंगार कौन उजाड़ता है अबे छोड़ो भी इन बातों को वो देखो आई महफिल की शोभा हाय जवानी की शोभा आइए आइए लीजिए आप इसे आदमी सिखाएं सलाम तो करें अरे यही अंदाज तो आशिक को मिठा देते हैं बैठो बैठो क्यों बेटा आया डिजाइन पसंद है ना स्वर्ग की चिड़िया अजी यूं ना घूरिए मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ क्यों छेड़ते हो जी उनको वाह बेटा अबे लगा चहकने हैं अरे ऐसी सूरत पे से तो चांदी निछावर करो अबे चांदी तो क्या ऐसी सूरत पर तो दिल निछावर है दिल बड़े बेशर्म हो जी तुम वो मारा अबे तेरे ऊपर तो जादू चल गया बेटा अच्छा भाई तू ही कामयाब हो जा हमारी तो दाल नहीं गलती माफ कीजिएगा पांचों कपड़े पहन लेने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता ले कुंवर तू तो बदमाश बना दिया गया जी नहीं मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझसे भी कह सकती हैं इसलिए कि मैं ऐसे बदमाशों के साथ जो आया हूँ अरे पान तो पेश कर
जी, ये आपकी आँख को क्या हुआ? ये जरा फटती है, फटती है। फटती है? ये लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया? बड़ी बदतमीज है, बस हम इसे कहेंगे। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। क्या हुआ दीदी? अच्छा, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे इस गंदी जगह से निकाल दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करूं बेटी, मेरा कुछ जोर भी तो चले। क्यों रे, तू हमारा घर बदनाम करेगी? अरे, जब इसको ये पेशा मंजूर नहीं तो क्यों जबरदस्ती करती हो? अजी पराई बेटी ईश्वर की अमानत है, इस कारण मना करता हूँ। और हमने जो ठुसा ठुसा के इतना बड़ा किया। मान जी, तुम लच्छी बहन के फटे पुराने कपड़े और अपने आगे का बचा कुचा खाना मुझे दे दिया करो, बस मैं तुम्हारे घर की दासी बनकर रहूंगी, मगर ये पाप मुझसे न होंगे। देखेंगे कैसे नहीं होंगे, बड़ी आई अपने मनमानी करने वाली। उस्ताद, जाओ आनंदी प्रसाद से कह दो हमें तुम्हारी बात मंजूर है। हमारे पार लगाओ नैया, हमारे पार लगाओ, तुम बिना भगवान कौन खवैया, तुम बिना भगवान कौन खवैया, नैया हमारे पार लगाओ। लाज बचाओ मुझ अबला की लाज बचाओ, तुम बिना हमरा कौन सहैया, तुम बिना हमरा कौन सहैया। नरसी भगत की हुंड चलाई, प्रह्लाद की जान बचाई, हक प्रह्लाद की जान बचाई, मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ, मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ, जग के दाता कृष्ण कन्हैया, जग के दाता कृष्ण कन्हैया, नैया हमारे पार लगाओ, नैया हमारे। मैं आ सकता हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। और सब कहाँ हैं? आज उनकी बिरादरी में खाना है। उनकी बिरादरी और आपकी? अभी तक तो भगवान की दया से उनकी बिरादरी में नहीं हूँ, आगे किस्मत। एक बात पूछ सकता हूँ अगर इजाजत हो तो? जी फरमाइए। आपको ये पेशा पसंद है? बोलिए, आप तो सोचने लग गए। मैं ये सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ।
जवाब तो बहुत छोटा सा है, हाँ या नहीं। यहाँ बैठकर तो मेरी नहीं भी हाँ समझी जाती है। ये कैसे? बात ये है कि दुकान में रखी हुई चीज की लोग सिर्फ कीमती पूछते हैं, ये कोई भी नहीं पूछता कि चीज बिकाऊ भी है या नहीं। और ये कोठा भी एक दुकान ही तो है। जी, मैंने कल ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इस घर की शोभा नहीं। लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि मैं इस घर की शोभा बन जाऊं। और अगर आपको कोई अपने घर की शोभा बनाना चाहे? जी, मैंने कहा और अगर कोई आपको अपने घर की शोभा बनाना चाहे? तो दुनिया वाले इतने बड़े जुर्म में उस शख्स को घर से बेघर कर देंगे। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं किसी के घर को जलाकर अपने हाथ नहीं सेकना चाहती। शोभा, मैं तुम्हें पाप से बचाने के लिए अपना सब कुछ भेंट देने को तैयार हूँ। लोग मंदिर और शिवालय बनवाकर धर्म की सेवा करते हैं, मैं तुम्हारी आबरू बचाकर धर्म और इंसानियत दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? नहीं। तो क्या उस दिन की शर्म, लज्जा, रोना धोना सब बनावट थी? यही कहेंगे ना आप, लेकिन वो बनावट नहीं थी। तो फिर आपको क्या चीज रोकती है? आपकी इज्जत। मेरी इज्जत? मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है जो आप एक वेश्या को अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं। वेश्या तो सिर्फ मर्दों की जवानी का खिलौना है, और खिलौने को जीवन साथी नहीं बनाया जाता, उससे सिर्फ खेला ही जाता है। जो ऐसा करते हैं वो इंसान नहीं, शैतान है। शोभा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो हाँ। नहीं, मैं आपकी जिंदगी का साथी बनकर आपको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं शोभा, ऐसा न कहो। अगर मैं हाँ कह भी दूं तो ये घर वाले अब तो सिलसिले भी नहीं चली जाएगी। मैं फिर आऊंगा। ये माना हमने के हुस्न खुदा देता है, पर ये अंदाज तुम्हें कौन सिखा देता है? शिकम मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना जो बच्चा मेरा। मोरी न मानो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो बजजवा से पूछो, जिसने अलहाई गज हाय, जिसने अलहाई गज दीना दुपट्टा मेरा, इन्हें जाए माता लो दीना दुपट्टा मेरा, इन्हें जाए दीना दुपट्टा मेरा। मरी न मानो सैया से पूछो, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो अरे हाँ, मोरी न मानो सैया से पूछो, जिसने उड़ा के क्या, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा मेरा, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा।
अबे बंद क्यों किया? झूठ तो बताता हूँ। क्या बताता है? वो पंडित है पंडित। कौन पंडित? अरे वो कुंवर। हाँ तो क्या हुआ, ठिकाने लग गया? अभी क्या मर गया? मरा वरा नहीं, हाँ वो तुम्हारी लच्छी के वहाँ गया है। लच्छू इसके सर पे बर्फ रख। अरे बर्फ नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। सच कहता है? हाँ। लच्छू मेरा कोट तो ला। देखना बेटा अगर मुझसे चालबाजी की तो याद रखना। अरे घूरू तो उतारते जाओ। अरे हाँ यार खोल दे। अबे हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ है, डुए झापड़। मत क्या हुआ है भाई साहब, बिना वजह चपे जा रहा है? मैं चपड़ कंचू अपनी भाभी पे डोले डालने शुरू करती है। ए मिस्टर जवान सवाल के बात करना। हाँ मेरी भाभी मेरी माँ। भैया बढ़िया काम तो जब हो कि जब तुम मेरी मदद करो। फरमाओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये तो तुम जानते हो कि शोभा वेशिया की लड़की नहीं। जानता हूँ, और कहो। इसीलिए वो अपनी आबरू बेचना नहीं चाहती। मगर बेटा चपड़ कंचू वो तो बिक के रहेगी है। मेरे जीते जी उसकी आबरू नहीं बेच सकती। अच्छा जी ये जोर नहीं। आज मालूम हुआ बेटा कि तुम जवान हो गए। अम्मा भाई साहब हंसी तो उड़ाइए मत, मैंने उससे ब्याह करने का फैसला कर लिया। अबे चपड़ कंचू क्यों शामत आई है तेरी? भैया इतने जूते मारेगा बेटा कि तेरी चंदिया गंजी हो जाएगी। पागल हो गए हो हरि बाबू, घर में आई हुई लक्ष्मी निकाल दे। देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारा पेशा नहीं करना चाहती। शादी कर दो, लड़का भी अच्छा है। तो दे दो 2-4 लाख रुपया, सीने पर पत्थर रख कर शादी कर देंगे। 2-4 लाख रुपए तो नहीं, मगर हाँ 2-4 हजार रुपए दे सकता हूँ। अरे बाबू हवा खाओ, सेठ नंदी प्रसाद को फसाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके बाप के बराबर है। कुछ भी हो मगर हमने तो जबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुन लो, नहीं तो पछताओगी। क्या कहते हो हरि बाबू, हमने भी जमाना देखा है। लेकिन मुझे नहीं देखा है, समझी? कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाने चले हैं। माँ मुझे जहर दे दो, मेरा गला घूट दो, मगर मुझे न बेचो। चुप रह कमबख्त, 10,000 रुपए कम होते हैं, फिर सेठ नंदी प्रसाद जैसा आदमी। अरे क्या करते रहे हो? अरे कोई बताना। अरे अरे बाबा क्या करते हो? अरे कोई बताना बाबा, अरे कोई बताना। अरे 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 पैसे वाला बना, मैं अभी बताता हूँ। अरे बाबू अबे अंदर कहाँ घुस गया है? अरे 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाबू अब हाथ जोड़ता है? अरे बाबू समाज के बगला बगला ये पुन कर रहा है। अरे शोभा तेरी लड़की के माफक है और तू उससे मोहब्बत करता है? अरे हरि बाबू, अरे क्या कर रहे हो? अरे बाबू हाथ जोड़ता थोड़ा। अरे हरि बाबू हैं? अरे कोई बुढ़े का ख्याल करो। अरे बाबू ये क्या कर रहे हो? अरे तुम सब जाओ, सब जाओ, चाय खा जा रहा, दूध पिए जा, जा खुद आया। अरे हरि बाबू कहा शोभा है? खबरदार हरी, आगे कदम न बढ़ाना, नहीं तो मैं इसी से अपना सर तोड़ लूंगी। अरे पगली ये पागलपन छोड़ दे, मैं कुंवर की तरफ से आया हूँ और मैंने शराब का ढोंग इसलिए रचाया कि मैं तेरी आबरू बचाऊं, समझी? चल तू मेरे साथ है। छोड़ो मुझे हाथ न लगाओ। अरे बोल, नहीं तो सब मामला चौपट कर देगी। चल तू चल मेरे साथ चल। नहीं मुझे तुम पे एतबार नहीं। अरे भगवान की कसम मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, अब तो एतबार हुआ? हाँ बहन बहन बहन। अब मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर, पिछले दरवाजे की सीढ़ी से उतार के मेरा इंतजार कर, और सुन ये सब गंदी चीजें मुझे दे दे, और ये नथनी भी दे दे। अरे जल्दी उतार जल्दी उतार, कहीं वो लोग आना जाए। मैं सबको देख लूंगा कौन। अरे हरि बाबू ये क्या हो गया? हरि बाबू क्या हिले? ये रही तेरी शोभा, क्या देखती है? अबे ठहर कहाँ भागता है? भाई ये नहीं होगा, ऐसा ब्याह तुम्हारे बाप जन्म में भी नहीं हुआ है। हम हाथ जोड़ते हमें छोड़ दो भाई।
मैं छोड़ दो, बाल बच्चे वाले हैं, मैं छोड़ दो भाई जी। अब तो ये ब्याह होकर ही रहेगा, चाहे तुम चीखो या चिल्लाओ। टीका लगा दिया तो ब्याह भी करवाना ही होगा। अबे बैठ, चल बैठ। अबे कैसा पंडित है, हंसी खुशी के काम में रोता है। पर ये कैसा ब्याह, न बरात न बराती। अबे पंडित होकर जाहिलों की सी बात करता है। बता कौन से शास्त्र में लिखा है कि बगैर बरात के शादी नहीं होगी। होगी 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 होगी, पर लड़की का बाप कौन है, कन्यादान कौन देगा? कन्यादान? हाँ। अबे तुम पंडितों की तो आदत होती है, एक ना एक नई बात लेकर बैठ ही जाते हो। इसमें नई कौन सी बात है, बिना कन्यादान के तो शादी हो ही नहीं सकती। अबे कहाँ से उठा लाया ऐसे पंडित को? हाँ भाई ठीक, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, कन्यादान कौन देगा? सुना तुमने? हाँ हाँ, बड़ा भाई बजाय बाप के होता है। अच्छा पंडित जी, मैं देता हूँ कन्यादान, मगर देखना फिर कोई नई बात ना निकालना। शुरू करो। हरी बाबू। त्रयंबकम् जयामे सुगंधिम पुष्पवर्धनम रुबारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्तिः मामतात्। हरि बाबू, हरि बाबू। क्या है, क्यों चिल्लाती है? हरि बाबू हम पर दया करो, हमें बर्बाद ना करो। अरे क्यों शोर मचाती है, चल जाए यहाँ से। अरे बाबू हमारे पेट पर लात ना मारो। अरे बाबू, अरे तुम लोग तो जूते मारने के लायक हो है? एक नेक शरीफ लड़की के आबरू लेने पर तो लेते, चल जाए यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। भगवान कसम हरि बाबू, यदि तुम ब्याह करने से तो मुझे इतना दुख ना होता, पर तुमने तो दूसरे के हवाले कर दिया। क्या भक्ति है, मैं शादी करूं? मैं तो अकेला मस्त हूँ। और सुन, शोभा के लिए कुएं से बढ़ के बर नहीं मिल सकता, तू जा यहाँ से, चिल्ला मत। अब देखो हरि बाबू, मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी भी बात बन सकती है, नहीं फिर पीछे पछताओगे हरि बाबू। हरि पछताएगा, चल जा यहाँ से। अच्छा हरि बाबू, हम भी अपनी जात की नहीं, जब तुम लोगों को चैन से बैठने दिया। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलालय तनु हरि। चिरंजीव रहो, खूब सदा फूलो फलो, आनंद से दिन बीते। शोभा, आज से ये सब तुम्हारे जेठ और देवर हैं। जी नहीं, ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरा मैका है। हाँ हाँ, हम सब भाई हैं। देख भाई, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता नाजुक हो गया है। हाँ भाई, हमारी बहन को आज से तुमने जरा भी दुख दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है भाई? नहीं। ससुर साहब अब इजाजत है? बड़ा बेमरवत है तू, अबे जोरू मिलते ही घर की सूजी। तो और क्या। अच्छा, अरे अरे कहीं भैया ना मिल जाए, ये हर बार तो उतरवा दो। पंडित जी को दे दे, वाकई वो बड़ा बेदब आदमी। तुम भी उतार दो सो। चलो। और मेरी दक्षिणा? तुम जरा सब्र करो पंडित जी, मैं अभी आके देता हूँ। लो बहन, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सका। ऐसा न कहो भैया, इससे ज्यादा और क्या धूमधाम से हो सकती थी। अच्छा ससुर साहब, अब इजाजत है, जाओ। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अबे तू भी जो लो भाभी, तुम्हें बड़ा अरमान था हमारी दुल्हन का, यह है तुम्हारी बहू और यह है हमारी भाभी जी। तेरी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी वैश्य के यहाँ पली है। वो ही। अरे अरे अरे, तुझे यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख ले।
क्या कहा? अच्छा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। इसीलिए झटपट ब्याह हो गया। शाबाश बेटी, तूने सारी दुनिया की औरतों की लाज रख ली। अगर हम पिंजरे में बंद रह कर आबरूदार हैं तो क्या है? कमाल तो तुम्हारा है, इसने पाप की दुनिया में रहकर अपनी आबरू को न मिटने दिया। भाभी अब मजा तो जब है कि किसी तरह भैया को मना लो। हाँ हाँ तुम देख कर रहो। रामी भैया का सामान लेकर नए मकान में जाओ। अब देखो जब तक मैं तुम्हारे भैया को न मना लूं तुम वहीं रहना। हाँ हाँ अच्छा अब जाओ, उनके आने का टाइम है। जाओ जाओ। अरे नहीं मेरा टांग नहीं बिको, तेरे हाथ जोड़ती हूँ तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरा टांग नहीं बिको। अरे मेरे तेरे हाथ जोड़ती हूँ तेरे पाँव। अरे नहीं नहीं फिर नहीं झूठ बोल रहा है। भगवान के लिए मुझे पिया मिलन के रुत आए हैं, पिया मिलन के रुत आए हैं, मन मोरा डोले सजली डोले सजली, मिलन की रुत आई है, मन मोरा डोले सजले डोले सजले। सजन मोरे छल छबेले, सजन मोरे छल छबेले, पके सजेले रंग रंगीले, पके सजेले रंग रंगीले, कैसे जो बनवा सजाऊं, तुम तो खुद हो रूप की शोभा, तुम तो खुद हो रूप की शोभा, रूप तुम्हें शोभे सजनी शोभे सजनी। पिया मिलन की रुत आई है, मन मोरा डोले सजने डोले सजने। तुम सजनी मोरे मन की रानी, तुम सजनी मोरे मन की रानी, भोली सुरतिया मस्त जवानी, तुम सजनी मोरे मन की रानी, भोली सुरतिया मस्त जवानी। अब गले से लगम अब गले से लगम, पिया बुलाए वह डर लागे, पिया बुलाए वह डर लागे, मन मोरा डोले सजले डोले सजले। आज मिलन के तूने तूने मेरा कुर्ता फाड़ा, मैं तेरी साड़ी फाड़ू। बड़े आए साड़ी फाड़ने वाले, पकड़ो तो जानू पकड़ो। ठहर तो तुम जाती भाई, भाई जाओ, हमको फुर्सत नहीं। हाँ जी तो जी तुम भागो जी जरा। अरे अरे बोल भी कुछ, क्या हुआ? मेरे खाने कमाने की रोटी मेरे कमाने का टूट गया। अरे बोल भी, अरे बुढ़िया, अरे बुढ़िया मैं कहाँ जाऊँ? अरे
बाबू और बेटा। अरे बेटा बेटा बको भी कुछ। बेटा तुम मुझे नहीं पहचानते पर मैं तुमको अच्छी तरह जानते हूँ। अच्छा अच्छा बाबा बोलो भी कुछ, बोलोगी भी या नहीं? बेटा वो तुम्हारे भाई कुंवर जी जो है वो मेरी शोभा को मेरी बिटिया को भगाने गए। अरे भगाने गए? मेरा भाई कुंवर ऐसा नहीं है, कोई और होगा। वो तो ऐसे नहीं है पर वो हरि बाबू उसको उसकी और थी निकले माटी मिलो मेरी काने कमाने की डपली मेरी रोटी का ठिकरा भगाने गए। तो मैं क्या करूं अगर हरि बाबू कमा के ले गए भगा के ले गए? तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकते हो? तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकते हो? मैं कैसे दिला सकता हूँ? तुम्हारे भाई जो कुंवर जी है कहीं मेरी बिटिया से जबरदस्ती ब्याह कर ली है। कुंवर? अरे कोई और होगा।